हेलो दोस्तों, आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के साथ एक लेके खीर। ये है साबूदाने और चावल की खीर। मैंने आज बनाई थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो ये देखिए, ये है चावल और साबूदाने। ये मैंने 1 घंटे के लिए पहले से भिगो के रख दिए थे। इससे क्या, हमारी खीर जल्दी बन जाती है और तुरंत बन के रेडी होती है। तो ये देखिए, एकदम थोड़े से मैंने ड्राई कर दी है उसके बाद धोने के बाद। तो ये देखिए, मैंने रख दिया दूध। दूध मैंने एकदम बिल्कुल फैट वाला लिया, एकदम भैंस का होता है वो वाला, गाय वाला नहीं है। तो आप भैंस के ही दूध में बनाइए खीर। उससे क्या है, खीर हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ज़्यादा फैट वाला दूध लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग कैसे बनाते हो खीर वगैरह तो कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो पूरी देखना, वीडियो इसके मत करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टेस्टी खीर बनने वाली है, एकदम डिफरेंट तरीके से इसमें। और ये देखिए, मैंने ले लिए 2 इलायची। इनको मैं अच्छे से छीन के रख दूँगी। ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को इलायची ज़्यादा पसंद नहीं होती है। तो मैं बस फ्लेवर के लिए 2 ही लूँगी और 2 से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए, दूध हमारा बॉयल हो रहा है एकदम, है ना, फैट वाला और बिल्कुल निपनिया दूध है। मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है क्योंकि खीर मैं आज बिल्कुल अच्छी तरीके से बना रही हूँ, जो सबको पसंद आए और सब लोगों ने खा ली थी। क्योंकि मैं थोड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा कोई खीर खाता नहीं है। आप तो अच्छी बनाओ, थोड़ी खाओ, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। और पानी डाल दोगे तो खीर में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए, आपको लग रहा है ना, एकदम गाढ़ा शुद्ध प्योर घी, वो सॉरी दूध। तो ये देखिए, 2 इलायची को मैंने अच्छे से निकाल के रख दिया है। और साथ में ले लिए मैंने थोड़ी सी किशमिश, और इनको साफ करके रख दूँगी और मैं बाद में बताऊँगी कि कब डालना है। तो ये देखिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दूध में उबाल भी नहीं आया। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि साबूदाने और चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप साबूदानों को और चावलों को अच्छे से पहले 1 घंटे के लिए भिगो के रख दे। इससे क्या, जल्दी भी खीर बनती है और बस इसको 1-2 बार चलाते रहना, कुछ भी नहीं करना, ना ये लगेगी ना कुछ होगा। क्योंकि मैंने इतनी जल्दी खीर बनाई है, शायद आप लोगों ने कभी देखी नहीं हो। ऐसे बनाती हुई 10 मिनट में खीर बन के रेडी हो चुकी थी, नहीं तो खीर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, मैंने एक साइड खीर को रख दिया है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल देखना और उसी हिसाब से मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच चीनी ली है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ी सी और भी ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन इसी से मीठी हो जाएगी क्योंकि कम मीठी अच्छी लगती है खीर। तो ये देखिए, खीर में अच्छे से बॉयल आ गया है। तो कितने अच्छे से बॉयल हो रही है। और आप लोग कैसे खीर बनाते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे क्या है, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, कितने अच्छे से अभी बस कम से कम 3-4 मिनट हुए हैं और हमारी खीर अच्छे से रेडी हो चुकी है। क्योंकि आपको दिख रहा है ना, साबूदाना अच्छे से फूल चुका है, चावल भी, क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। तो इसी का फ़ायदा है कि अगर आप पहले से भिगो के रख दोगे तो आपकी खीर 10 मिनट में ही बन के रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अच्छे से एकदम बढ़िया टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, साथ में ले लिए मैंने इलायची और किशमिश, ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये इलायची और किशमिश, तो दिख रहा है ना आपको अच्छे से। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं अच्छे से बॉयल होने दूंगी, फिर उसके बाद अच्छे से बाद में डालूंगी, बस 1-2 मिनट पहले नहीं तो हमारी थोड़ी सी इलायची और वो क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा उसमें घुल जाएंगी। तो ये देखिए, चावल मेरे अच्छे से पक चुके हैं, मैंने तोड़ के भी दिखा रही हूँ। फिर भी मैं 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से बॉयल कर दूँगी। इससे क्या है, बहुत ही टेस्टी होने हैं और जल्दी रह जाएंगे, कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो ये देखिए, मैं और अच्छे से चला दूँगी। और दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो खीर भी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए, मैंने डाल दिए। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हो और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, गरी का जो होती है ना, उसको किसके भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं ऐसी चीज़ कोई भी नहीं डाल रही हूँ, मैंने बस सिंपल तरीके से बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और दिख रही है ना आपको, एकदम टेस्टी बन के रेडी हो गई है मेरी खीर। तो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना,
मत भूलना, और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती हूँ मैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और ये देखिए कितनी अच्छी खीर बनी, एकदम गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी। तो बस मैंने रख दिया इसको बंद करके, इंडक्शन को, खीर हो चुकी है रेडी। ओके।